मेरी पिछली दो वीडियोस में जिसमें मैंने आत्महत्या करने वाली एक आत्मा का जिक्र किया था, यदि आपने ध्यानपूर्वक उस किस्से को सुना हो तो एक चीज और है जो उसी केस में से निकल के आई है कि पूर्व जन्म में भी वो लड़की बहुत छोटी आयु में गर्भवती हो गई थी। ये एक घटना थी जो उसके जीवन में घटी और उसके रिस्पॉन्स में उसने सुसाइड करने का फैसला लिया और उसके बाद आत्मालोक में कुछ वर्षों का समय गुजारने के बाद जब वो दूसरा जन्म लेकर इस धरती पर आई, तब भी यही घटना उस लड़की के साथ घटी। इस जीवन में भी वो बहुत छोटी आयु में गर्भवती हो गई थी और इसी कारण से वो डॉक्टर न्यूटन के पास आई थी, क्योंकि वो लड़की अपने अंदर ये एबिलिटी नहीं पाती थी कि वो जीवन की किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू को समझ सके। और ये जो घटना उसके जीवन में आ रही थी, ये उसकी कार्मिक अकाउंट का एक हिस्सा था जो यदि उसने अपने पूर्व जन्म में आत्महत्या ना की होती, अपनी संतान को जन्म दिया होता और अपना पूरा 100 वर्षों का जीवन जिया होता, तो इस जीवन में दोबारा उसका इतनी जल्दी गर्भवती होना और फिर से एक कुंवारी माँ बनने की परिस्थिति से गुजरना, ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। इस मामले में भी एक ऐसी आत्मा का जिक्र है जो अपना पूरा जीवन वो अपने से कमजोर लोगों के ऊपर उग्रतापूर्ण रवैये से, क्रोधपूर्ण रवैये से, उनको चोट पहुंचाने के रवैये से, इस प्रकार का व्यवहार वो अपने से कमजोर लोगों के प्रति हमेशा करता रहा। यहाँ तक कि जब वो छोटी आयु का था तब वो अपने से छोटी आयु के बच्चों पर भी उन्हें मारना, उन्हें चोट पहुंचाना, इस प्रकार का एक क्रोधी और उग्र स्वभाव उस व्यक्ति का हमेशा रहा। मृत्यु के बाद अपने समूह के सभी अन्य आत्माओं से मुलाकात करने के बाद जब वो आत्मा अपने मार्गदर्शक के साथ उस अध्ययन कक्ष में, उस लाइब्रेरी में गई जहाँ पर उसकी जीवन पुस्तक रखी थी जो अभी अभी वो जीवन जी के आया था, उस जीवन का भी हर घटनाक्रम उस पुस्तक के अंदर दर्ज था। और उस माध्यम ने बताया कि ये लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम अपने पिछले जीवन में जो करके आए हैं उसका एनालिसिस करते हैं, उस चीज को समझते हैं कि हमने क्या गलतियां करी और अपने आप को अपने आगे आने वाले जीवन के लिए भी तैयार करते हैं। एक आत्मा का जो कुछ भी सीखने का उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, उन जीवन पुस्तकों में जो उसने कर्म किए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, जो उसके गलत संस्कार है जिन्हें उसने सुधारना है उन्हें ध्यान में रखते हुए, एक आत्मा खुद स्वयं ये चयन करती है कि वो जब नव जीवन में आएगी तो उसे किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहिए, कैसा जीवन धारण करना चाहिए, ताकि वो अपने संस्कारों में जो परिवर्तन करना चाहती है, जो उसके जीवन के उद्देश्य हैं उन्हें वो हासिल कर सके। लेकिन ये कोई नियति का घेरा नहीं है, यहाँ पर वो अपने आने वाले जीवन की कोई रूपरेखा कुछ समझ रहा है कि उसके लिए क्या चीज़ आवश्यक है, उसे वो समझ रहा है कि क्या उसे करना चाहिए, लेकिन अंत में वो यही करेगा ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए हाथ में नहीं है कि वो कर्मों के हाथ में है। यहाँ वो अपने कर्मों के अनुसार इस बात को समझता है कि उसने क्या क्या गलतियां करी हैं जिन्हें सुधारने के लिए अब जब वो दूसरा जीवन लेगा तो वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है, किस प्रकार से कौन सा जीवन लेके वो अपनी इन गलतियों को सुधार सकता है। लेकिन जब जीवन चयन का मामला आएगा तब उसके सामने उसके कर्मों के अनुरूप दो तीन जीवन जो प्रस्तुत किए जाएंगे और उसने जो सीखना है
जो उसको जीवन में हासिल करना है उसका भी एक समावेश होगा उस उन जीवनों के अंदर, उसके मार्गदर्शक की एक सलाह शामिल होगी। उसके बाद उसके लिए नीति के घेरे में उसके कर्मानुसार 2-3 जीवन उसके लिए होंगे। लेकिन इस अध्ययन कक्ष में भी आत्मा स्वयं अपने पिछले जीवनों को देखकर इस बात के लिए अध्ययन करती है कि अब आने वाले जीवन में उसको किस प्रकार के अपने लिए उद्देश्य सेटल करने हैं, अपने किस तरह के उद्देश्यों को लेकर चलना है जिनको पूरा करके वो अपनी आत्मा की उन्नति कर सके। जब उस आत्मा ने उस अध्ययन कक्ष में उस लाइब्रेरी में प्रवेश किया तो वहाँ और भी बहुत सी आत्माएं बैठी थीं, लेकिन वो सभी आत्माएं एक दूसरे से फासले पे बैठी थीं और सभी ने अपने जीवन पुस्तक पर अपनी नजरें गड़ाई हुई थी। कोई भी आत्मा एक दूसरे के साथ सटकर नहीं बैठी थी। एक शिष्टाचार के नाते और एक दूसरे की गोपनीयता का सम्मान करने के नाते इस अध्ययन कक्ष में आत्माएं एक दूसरे से फासले पर ही बैठती हैं। उसने कहा कि जब मैंने अपनी जीवन पुस्तक को दूर से देखा तो मुझे एक दमकती हुई सी लग रही थी, और उस दमकती हुई पुस्तक में, जो कि पहले भी एक माध्यम बता चुका है कि वो ऊर्जा की परतों के समान है, उसमें जो शब्द हैं वो शब्द नहीं हैं, वो एक फिल्म की तरह हैं और बहुत सुनहरे रुपहले रूप में वो फिल्म हमारे सामने हमारे विचारों के माध्यम से चलती है। माध्यम ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है उसकी जो भाषा है वो गति और भावनाओं की भाषा है, यानी वो शब्द नहीं है। जैसे एक पुस्तक के ऊपर शब्दों में कुछ लिखा जाता है, ऐसे नहीं है। वो गति से, ऊर्जा से और भावनाओं से चलने वाली पुस्तक है। इस पुस्तक को मानवीयकरण करके समझा पाना कि ये किस प्रकार की है, ये बहुत मुश्किल कार्य है। अब इस जीवन पुस्तक में उस आत्मा ने स्वयं को एक बच्चे के रूप में खेल के मैदान में देखा। वो बचपन में से ही बहुत अधिक बिगड़ैल और दूसरे छोटे बच्चों को तंग करने वाला, उन्हें मारने वाला, झगड़ालू किस्म का बच्चा रहा है। तो वो स्वयं को अपने बचपन में देख रहा है, जो उसने अपने बचपन में गलत कार्य किए हैं, अन्य छोटे बच्चों को जो उसने तंग किया है वो उस रूप में देख रहा है, लेकिन अब वो आत्मा रूप में देख रहा है। तो आत्मा रूप में जब आत्मा अपनी गलतियां देखती है तो उसे बड़ा पछतावा होता है कि उसने ये गलतियां करी हैं अपने जीवन में। उसने कहा कि जब वो एक बिगड़ा हुआ बदमाश बच्चा हुआ करता था, अब वो फिर से वही सब अनुभव कर रहा है, और कुछ ऐसा जिसे वो चाह रहे हैं कि मैं देखूं, यानी उसके मार्गदर्शक चाह रहे हैं कि वो चीजें देखे, वो उन्हें देख रहा है। उसी की ऊर्जा का एक अंश उन्हीं पन्नों पर रेंगता जा रहा है। यहां पर उस माध्यम ने देखा कि वो एक बिगड़ैल बच्चा है जो अपने से छोटे उम्र के बच्चों के साथ मारपीट करता है, झगड़ा करता है, और जब टीचर्स की निगाहें इधर उधर होती हैं तो वो अपने से छोटे कमजोर बच्चों को कंकड़ पत्थर मारता है, यानी उन्हें फिजिकली भी हर्ट करता है। और अब वो एक विशेष बात अनुभव करता है, वो ये कि अब वो सीन बदल गया है, यानी अब वो अपने आप को जिन बच्चों को वो हर्ट करता था उस स्थान पे वो स्वयं को देख रहा है, और वो देख रहा है कि वो खुद ही खुद को मार रहा है। यानी वो जब दूसरे बच्चों को कंकड़ पत्थर मारा करता था वो वही है, लेकिन वो जो कंकड़ पत्थर खाने वाले बच्चे हैं अब वो उनके स्थान पर भी है। यानी वो अपने आप को दोनों स्थानों पर एक ही समय पे मारने वाला और एक ही समय पे मार खाने वाला, दोनों रूपों में एक ही साथ अपने आप को देख रहा है, महसूस कर रहा है, और अब वो उस चीज को, उस दर्द को महसूस कर रहा है जो वो छोटे बच्चों को कंकड़ पत्थर मारकर उन्हें दिया करता था। लेकिन ये दर्द इस समय वो स्वयं को पत्थर मार के दे रहा है, और कुछ देर बाद वो ये महसूस करता है कि अब वो स्वयं ही है, अकेला है, और अब दूसरे बच्चे उसे कंकड़ पत्थर मार रहे हैं।
यानी उसने अपने आप को हर परिस्थिति में देखा, उस परिस्थिति में भी कि वो स्वयं स्वयं को मार रहा है, और उस परिस्थिति में भी जब वो बच्चे जिनको वो मारा करता था वो उसको कंकड़ पत्थर मार रहे हैं। वो उस जीवन पुस्तक के अंदर जो घटना चक्र पास में हो चुके हैं उनको भी अलग अलग रूपों में महसूस कर रहा है, देख रहा है। एक आत्मा के रूप में ये उसकी स्वयं की गलतियों की चेकिंग है, यानी वो अपने ही समय पे है, अपने ही जीवन में है, लेकिन वास्तविकता के बदले हुए रूप के साथ है। उसने कहा कि मेरे जीवन में इसमें से कुछ भी घटित नहीं हुआ, मतलब उसने ही दूसरे बच्चों को मारा, उसे कभी दूसरे बच्चों ने नहीं मारा, ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ उसके जीवन में, लेकिन ऐसा घटित होना चाहिए था। आत्मा रूप में आत्मा जब अपने आप को चेक करती है तो वो बिल्कुल निष्पक्ष होती है। उसने कहा कि समय को मुझ पर फिर से दोहराया गया, लेकिन दूसरे रूप में। अगर हम पहले से बेहतर कर सकते हैं तो किसी भी घटना को हम एक बार फिर जी सकते हैं। इसलिए मैं उस दर्द को महसूस कर रहा हूं जो मैंने दूसरे बच्चों को सताकर उन्हें दिया है। उसने कहा कि मेरे पिता जो कि बहुत भय पैदा करते थे मेरे अंदर, उनके डर उनके भय की वजह से मैं एक घुसैल बच्चा बन गया था, और अब उस आत्मा का उद्देश्य है करुणा को सीखना, दूसरों के प्रति एक करुणा भाव को सीखना, और ये जो उसका गुस्सैल स्वभाव है इसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना, अब ये उसके नव जीवन में आकर सीखने का उद्देश्य है। इस जीवन पुस्तक का बहुत महत्व है, इसे पढ़कर आत्मा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और साथ ही साथ क्या क्या विकल्प हो सकते थे, हो सकते हैं, उसका भी अनुभव उसे मिलता है। इस व्यक्ति में आत्म अनुशासन की और दूसरों के प्रति जो सहानुभूतिपूर्ण रवैया होता है उसकी कमी थी, और यही उसके जीवन का उद्देश्य था कि उसके अंदर आत्म अनुशासन पैदा हो, दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति का रवैया पैदा हो, यही चीज़ उसमें उस आत्मा को अपने अंदर डेवलप करने की आवश्यकता थी। इन जीवन पुस्तकों में हमारा पास दर्ज है, लेकिन हमें मौका मिलता है कि हम इन्हीं जीवन पुस्तकों में जो हमारे भावी जीवन हो सकते हैं उनके विषय में भी अध्ययन कर रहे हैं। हम इन समय रेखाओं के जो अलग अलग प्रकार की जो संभावनाएं हैं, समय रेखाओं में अलग अलग प्रकार की जो संभावनाएं हैं उनकी भी एक जांच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात भी याद रखनी है कि जो हमारे जीवन भविष्य के जीवन है वो उसमें जो घटनाएं हैं वो अनिश्चित होती हैं, और वो अनिश्चित क्यों होती हैं, क्योंकि ऊंट किस करवट बैठेगा नहीं पता, हम कौन सा विकल्प चुनेंगे, हम कौन सा कर्म करेंगे, ढेर सारी संभावनाएं हैं, उसमें से कौन सी संभावना चुन लेंगे हम, हमें नहीं पता। यानी कि स्वतंत्र कर्म करने के लिए आप आज़ाद हैं, आपके पास 2-3-4 संभावनाएं हैं, अब आप कौन सी संभावना चुन लेते हैं ये नहीं पता। इसलिए जो भावी जीवन है उसकी जो घटनाएं हैं वो अनिश्चित हैं, और ये बात भी याद रखनी होगी कि ये जो लाइब्रेरी होती है ये किस्मत में क्या लिखा है इस बारे में कोई निर्णय लिया जा सके, ये एक ऐसा स्थान नहीं है। जो ऑलरेडी हो चुका है उसके ऊपर मनन चिंतन किया जाए, जो भविष्य में हो सकता है उन संभावनाओं को देखा जाए, ये एक ऐसा स्थान है, लेकिन ये डेस्टिनी का घेरा नहीं है, ये नियति का घेरा नहीं है, ये लाइब्रेरी है, अध्ययन का स्थान। एक फाइनल रूप आपको अपने आने वाले जीवन का वो तो नियति के घेरे में ही दिखेगा। यहाँ पर सिर्फ आप संभावनाओं के ऊपर क्या आपने सीखना है, क्या जीवन होना चाहिए आपका आगे आने वाला, इन सब बातों के ऊपर क्या समझना है, कौन सा जीवन लेना है, यदि जीवन लेंगे उसमें ये घटनाएं कर्मानुसार आएंगी तो क्या क्या संभावनाएं हमारे सामने होंगी, इन सब बातों के ऊपर अध्ययन किया जाता है, ना कि ये कोई फाइनल हमें हमारा भविष्य का जीवन दिखा रही है। अब जब इस तरह के जवाबों को माध्यमों के मुंह से सुना गया तो कहीं ना कहीं जो समानांतर ब्रह्मांड है इसका जो ख्याल है वो भी मस्तिष्क में उभर कर आता है, क्योंकि
जैसा कि कहा जाता है कि हमारे जीवन द्वारा में इस तरह के बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जहाँ हमारे ही जैसे लोग हमारा ही जैसा जीवन जी रहे हैं, तो और उन समानांतर ग्रहों पर हर प्रकार की संभावना को जांचा परखा जा सकता है। यानी कि अगर समानांतर ब्रह्मांड हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आप ही के समान कोई आत्मा उस ब्रह्मांड में है, सिचुएशन चाहे एक ही जैसी आ रही है, लेकिन हो सकता है वो आत्मा एक अलग विकल्प चुने, आप एक अलग संभावना चुने और जीवन अलग अलग हो जाए। यानी कि एक ही घटना किसी फेरबदल के साथ, थोड़े या पूरे के पूरे फेरबदल के साथ, एक ही समय में अनेक स्थानों पर घटित हो सकती है। अगर समानांतर ब्रह्मांड को माना जाए तो ये भी सत्य है कि एक ही समय पर एक ही घटना अलग अलग संभावनाओं के साथ, बहुत हल्की बनकर या बहुत बड़ी बनकर, बहुत मामूली बनकर, कैसे भी घटित हो सकती है। ये निर्भर करता है आत्मा ने कौन सा विकल्प चुना इसके ऊपर। और इसमें जो संलिप्त व्यक्ति है, जो आत्मा है, वो एक ही समय पर विभिन्न ब्रह्मांडों में उपलब्ध भी हो सकता है, लेकिन ये स्थिति सिर्फ आत्मा लोक में रहते हुए होती है। आत्मा लोक में रहते हुए तो आत्मा अपने आप को पास्ट में भी देख रही है, अपने आप को फ्यूचर में भी देख रही है, अलग अलग संभावनाओं के साथ भी देख रही है। अगर उसने इस घटना के रिस्पॉन्स में ये किया होता तो ये हो जाता, हर रूप में वो अपने आप को देख रही है। यानी कि देखा जाए तो वो एक तरह से एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर उपस्थित है। आत्मा लोक में ये आत्माएं उन पर्दों पर, उन लाइब्रेरी में भूतकाल से वर्तमान और फिर भविष्यकाल सबको एक गति सी करते हुए महसूस करती हैं, और वो एक ही समय पर फिर से पहली अवस्था में लौट आते हैं। ये सब कुछ एक ही स्थान पर बैठे बैठे होता है। एक ही स्थान पर आत्मा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सबको एक ही गति में घटित होता हुआ देख रही है। और जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकलती है तो सब कुछ उसी पहली वाली अवस्था में लौट आता है। और जब ये आत्माएं लाइब्रेरी में होती हैं तो कुछ समय रेखाएं उन पर जो भावी घटनाओं के दृश्य होते हैं वो बहुत धुंधले दिखाई देते हैं, और कुछ दृश्य तो लगभग अदृश्य से ही होते हैं। और इसके उलट जो जीवन चुनाव का स्थान होता है, यानी जो नियति का घेरा होता है, वहाँ पर जो पर्दे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और वहाँ पर जो समय रेखाएं होती हैं वो बहुत मोटी होती है, ताकि आत्मा प्रत्यक्ष साफ साफ अपना जीवन देख ले। ये लाइब्रेरी है, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ बहुत महीन जीवन रेखाएं हैं, लेकिन नियति के घेरे में बहुत मोटी जीवन रेखाएं हैं, ताकि आत्मा स्पष्ट रूप से सब कुछ देखे। और आने वाला जो जीवन है उसकी आत्मा सही तरह से उसका एनालिसिस कर पाए, इसके लिए आत्मा उस दृश्य में प्रवेश भी कर सकती है। आत्मा लोक में समय रेखाएं आगे पीछे घूम सकती हैं, यानी आत्मा लोक में जो संभावनाएं हैं भविष्य की उनको भी हम देख सकते हैं, पास्ट को भी हम देख सकते हैं, और ये सब कुछ एक ही समय में कर सकते हैं। चाहे हम अपने पास को नहीं बदल सकते जो पास में हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर, पास्ट के अंदर अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। जैसा कि इसी केस में हुआ, जिसमें माध्यम ने अपने आप को अपने बचपन में देखा, यानी मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने ही जीवन में एक सक्रिय भूमिका निभाने के एहसास से गुजर सकती है, जो जबकि वो जी चुकी है। अब इस केस में आत्मा अपने बचपन में जिस प्रकार का उसका उदंडी व्यवहार था उसमें वो पहुंचा, और उसने घटना चक्र, जैसे वो दूसरे बच्चों के साथ किया करता था, उस घटना चक्र को उसने महसूस किया। अब अगर इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे तो ये कितना एक, यदि किसी का कोई प्रियजन इस दुनिया को अलविदा कह चुका है तो वो प्रियजन भी जो पल वो अपने प्रियजनों के साथ इस धरती पर गुजार के गया है, यदि वो उन पलों को फिर से जीना चाहे तो वो उन पलों को फिर से जी सकता है। ये स्थिति अपने आप में कितनी सुखद है, कितनी आनंददायी है। एक तरफ ये चीज़ इसलिए है कि हम अपनी उन जीवन पुस्तकों से शिक्षा ग्रहण कर सकें, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक दूसरा पहलू भी तो उभर के सामने आता है कि आत्मा
जी सकती है। अपने प्रियजनों के साथ बिताए हुए वक्त को एक बार फिर यदि वो चाहे तो, और सिर्फ ये ही नहीं, अपने ही आत्मिक ऊर्जा, जैसे कि मैंने बताया कि हर आत्मा अपनी आत्मिक ऊर्जा का एक अंश आत्मालोक में छोड़ के आती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ वो नहीं जो प्रियजन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, सिर्फ वो ही अपनी आत्मिक ऊर्जा को आत्मालोक में जाके प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो अभी जीवित हैं, जो अभी इस दुनिया में दुनिया का आनंद ले रहे हैं, आप भी अपनी आत्मिक ऊर्जा का एक भाग आत्मालोक में छोड़ के आए हुए हैं। तो आपकी आत्मिक ऊर्जा का वो भाग आपके होने की अनुभूति आपके स्वर्गीय प्रियजन को कराता है, यानी कि आपका स्वर्गीय प्रियजन यदि चाहे तो आपके होने के एहसास को भी आत्मालोक में आपकी ही आत्मिक ऊर्जा, आपकी छोड़ी हुई आत्मिक ऊर्जा के जरिए प्राप्त करता है। अब अगर थोड़ा सा इस सच्चाई को ध्यान से समझा जाए तो हम जो पृथ्वीवासी हैं, हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि हम जीवित हैं, हम आनंद बना रहे हैं, हम लोग फंसे हुए हैं। जो आत्माएं मृत्यु के बाद आत्मा लोक में अपने मार्गदर्शक की छत्रछाया में हैं, अपनी आत्मिक ऊर्जा का आनंद उठा रही हैं, वो तो न सिर्फ एक आनंदित अवस्था में हैं, बल्कि वो आपके साथ का अनुभव भी प्राप्त कर सकती हैं। आप नहीं कर सकते, आप इस धरती पे हैं। जब आपका प्रियजन चला जाता है तो आपको लगता है वो कहाँ गया, अब मैं उससे कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं बात कर सकता। आप बेचारे हैं, वो आपको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो आत्मा लोक में हैं तो वो आप ही की छोड़ी हुई आत्मिक ऊर्जा के द्वारा आपकी अनुभूति को भी प्राप्त कर रहे हैं। आप इस दुनिया में उलझ के सोच रहे हैं परमात्मा है या नहीं, आत्मालोक है या नहीं, ये बातें सत्य हैं या ये बातें झूठी हैं, आप उलझे हुए हैं। लेकिन जो मृत्यु को प्राप्त करने के बाद आत्मालोक में अपनी उस सत्यता को पहचान गया है, वो तो बाहर निकल गया उलझन से। आपको लग रहा है आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर अवस्था में है। उन्हें आप उनके लिए कुछ करें इसकी कोई बहुत अधिक आवश्यकता ही नहीं है। आप अपनी आत्मिक ऊर्जा से नावाकिफ हैं, बिल्कुल उसके विषय में नहीं जानते, लेकिन आत्मा लोक में आत्मा अपनी आत्मिक ऊर्जा से वाकिफ है और वो उसके जरिए बहुत कुछ सकारात्मक करने की कोशिश भी करती है, आप तक भी सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाने की कोशिश भी करती है। अगली वीडियो में मैं आत्माओं के रंग के विषय में चर्चा करूंगी। इस विषय पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूं, लेकिन आने वाली वीडियो में इसी विषय को थोड़ा और डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जो प्रश्न मुझसे पूछते हैं, वीडियोस में लगभग 300 के आसपास वीडियोस हैं, उनमें लगभग ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर मौजूद होते हैं। लेकिन जैसे कि हमारी प्रवृत्ति होती है कि सब कुछ हमें बहुत आसानी से मिल जाए, हमें वीडियो सुनने की भी मेहनत ना करनी पड़े, तो इसलिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं और चाहते हैं कि मैं डिटेल में उनके आंसर लिखूं। मैं ऐसा नहीं कर पाती, समय की कमी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि मैं 2-3 दिन में एक वीडियो बना पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, पर ऐसा नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि जब आपको आसानी से कोई चीज़ प्राप्त हो रही होती है तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मेरे पास बार बार एक जैसे कमेंट रिपीट होते हैं। मैं शायद इतने सारे कमेंट मेरे पास हर रोज़ आते हैं, मैं कितने सारे कमेंट्स के आंसर देती हूँ, इसके बावजूद शिकायत रहती है। जिस भी किसी व्यक्ति का कमेंट का आंसर ना दे सको, उसे ये शिकायत रहती है कि आपने मेरे ही प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि आपने YouTube चैनल बनाए ही क्यों हैं अगर आप कमेंट का आंसर नहीं देते हैं तो, और हम आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, बेशक आप सब्सक्राइब ना करें, लेकिन इस बात को समझें कि अगर मैं
आप डिटेल में किसी चीज को नहीं समझ रहे हैं और मैं आपको दो लाइन में उत्तर दे भी रही हूँ तो भी उसका कोई लाभ नहीं है। क्योंकि अगर टीचर स्टूडेंट टीचर से पूछे दो और दो कितने होते हैं और स्टूडेंट टीचर उसे बता दे कि चार होते हैं, वो पेपर में चार लिख भी देगा, लेकिन ये जब तक वो एक दो तीन चार सीखेगा नहीं, ये गिनती सीखेगा नहीं, तब तक किसी के बताए हुए आंसर से उसका टेम्परेरी काम शायद हो जाए लेकिन उसको लॉन्ग रन कोई फ़ायदा होगा भी नहीं। वो उस एग्ज़ाम में शायद पास हो जाए लेकिन वो बार बार जो उस गिनती से रिलेटेड क्वेश्चन उसके आएंगे तो वो उनका आंसर नहीं दे पाएगा। बस कुछ इसी तरह से जब तक आप वीडियोस को ध्यान से सुन के समझेंगे नहीं तब तक मुझसे क्वेश्चन करना तो एक तरह से टीचर से दो और दो चार होते हैं पूछ के लिख लेने जैसा है। जबकि मैं ऐसा समझती हूँ कि शायद यही एक ऐसा चैनल है जहाँ इतने प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, अन्यथा अधिकतर चैनल्स पे कमेंट्स को लाइक करके ये भी नहीं बताया जाता कि हमने कमेंट पढ़ लिया है। उत्तर तो बहुत बाद की बात है, उत्तर तो लिखे ही नहीं होते, लेकिन फिर भी जो ज़्यादा करता है उसी से हमें शिकायत रहती है। शायद इसीलिए आप लोगों को मुझसे शिकायत रहती है। मैं सभी कमेंट पढ़ती हूँ लेकिन ये संभव नहीं है कि मैं सभी कमेंट्स के उत्तर लिख लिख के दे पाऊँ। यदि आप वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे तो आत्मालोक से संबंधित लगभग सभी जानकारी इन वीडियोस में प्रदान की जाती है। आने वाले वीडियो में आत्माओं के रंग के विषय में, क्योंकि आत्माओं के रंग एक तरह से ये आध्यात्मिक आभामंडल को स्पष्ट करते हैं, मार्गदर्शक के स्तर को स्पष्ट करते हैं, आत्मा के स्तर को बताते हैं, इस विषय पर डिटेल में वीडियो में बताया जाएगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य प्रेम और आनंद सहदेव बरसता रहे, सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मेरी पिछली दो वीडियोस में जिसमें मैंने आत्महत्या करने वाली एक आत्मा का जिक्र किया था,